हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन 8th का जो सेकंड पार्ट है ये अपन ने और पिछले वाला वीडियो में अधूरा छोड़ दिया था। कोई आ गया था घर पे, इसलिए फिर मैंने बीच में इसको बंद कर दिया था। ठीक है, अब इसको फिर से स्टार्ट करते हैं और ये वाली वीडियो आपको पार्ट 14th में मिलेगी। ठीक है, शायद हमने 14 पार्ट हुआ शायद, ये 14वां पार्ट है। ठीक है, तो 14th पार्ट में मिलेगा। क्या था इसको, हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना इसको। ठीक है, कर देखो क्या कहता है, कोसेकंड 90 प्लस एक्स, 90 में एक्स जोड़ेगा तो क्या होगा, चेंज होगा ये, बोलो चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा ये, सॉरी चेंज हो जाएगा क्योंकि खंबे से गिर रहे, चेंज होगा 90 प्लस या 90 माइनस में चेंज होता है। तो क्या होगा, कोसेकंड के समय चेंज होगा सेकंड में, तो यहाँ लिखा सेकंड और एक्स। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड है, सेकंड में कोसेकंड क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेकंड एक्स आ जाएगा, यानी 90 कोसेकंड 90 प्लस एक्स क्या होगा, सेकंड एक्स। ओके, अब आ गया, जो कोट 90 प्लस एक्स, 90 में जोड़ेंगे क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, कोट किस में होता है, 10 में, तो हो जाएगा 10x। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस 10x हो जाएगा। कोसेकंड 90 माइनस एक्स, 90 में कटाओगे क्या होगा, चेंज होगा ये, बिल्कुल चेंज होगा, कोसेकंड किस में चेंज होगा, सेकंड में, सेकंड एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट में सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। 180 माइनस 10, 10 180 माइनस, माइनस वही रहा, 180 में घटाओगे इधर जाएगा, इस लेंथ से इधर जा रहा क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज मैंड नहीं होगी, तो क्या होगा, 10 तो 10 ही रहेगा, 10x, लेकिन बेटा कहाँ जा रहा है, सेकंड में, सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस 10x आ जाएगा, इसके लिए क्या आ गया, माइनस 10x। ठीक है, कोई डाउट, यहाँ जाओ 10 180 प्लस एक्स, 180 में जोड़ेंगे एक्स, चेंज होगा इधर जाएगा, चेंज होगा ये, बोलो नो चेंज, 10 ही रहेगा, 10x। कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, नहीं 10 थर्ड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, या तो सेकंड 180 माइनस एक्स, 180 में आप घटाओगे, चेंज होगा, नो चेंज, सेकंड सेकंड रहेगा, सेकंड एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का मैंने पहले लगा दिया था। ठीक है, 10 360 प्लस एक्स, 360 कहाँ है, यहाँ आता है 360, इसमें जोड़ेंगे x तो ऊपर जाएगा, 360 से ऊपर जाएगा, इस लाइन से ऊपर जाएगा, चेंज होगा, नो चेंज, इस लाइन पर चेंज होता ही नहीं है, तो 10 ही रहेगा, 10x आएगा। ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहा है, फर्स्ट में गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव आएगा, सेकंड का अगर नेगेटिव आए तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोस और सेकंड के एंगल अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव आता है, बाकी सारे नेगेटिव आते हैं, तो सेकंड एक्स का एंगल नेगेटिव आ रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन बाहर तो नेगेटिव है तो यही आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, सेकंड एक्स माइनस 10x, अपन ये भी क्या होगा, सेकंड एक्स माइनस 10x। ठीक है, ये क्या होगा, 10x माइनस सेकंड एक्स, नीचे भी क्या है, 10x माइनस सेकंड एक्स, ये कट जाएगा, वन आएगा, ये कट जाएगा, वन आएगा, वन और वन क्या होगा, वन और वन का ऐड टू हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, इतना सिंपल है। 8th का थर्ड देखो, थर्ड बता देता हूँ, 3 cos पाई बाय 3, ठीक है, सेकंड पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 इंटू 10 पाई बाय 4। ठीक है, और इन सब के मल्टीप्लाई में क्या है, cos 2 पाई, कहता है इसकी वैल्यू माइनस 1 आती ना, 1 आएगी प्रूव करना, क्या करना, इसकी वैल्यू 1 आती है प्रूव करना, तो करते हैं स्टार्ट। देखो 3 cos पाई बाय 3 क्या होता है, 1/2, सेकंड पाई बाय 3 क्या होता है, 2। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें पता थी, मैंने वैल्यू रख दी, हाँ भाई 4 साइन 5 पाई बाय 6, पता है कितना एंगल है, लिखते हो डिग्री में, पाई मतलब 180, 180 अपॉन 6 30 इंटू 5 150 डिग्री का एंगल है, टेंजेंट और ये क्या 45 डिग्री का एंगल है, ये क्या 360 डिग्री का एंगल है, हाँ 2 पाई, पाई मतलब 180 गुणा में 2 360। ठीक है, ये काट देंगे 3 आएगा, पाई बाय 3 कहता है 60 डिग्री, तो कोस 60 1/2, सेकंड 60 1/2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे साइन, इसके बनाओ फैक्टर, 150 के फैक्टर के हमें 90 प्लस ऐड कर दूँ, है ना, तो क्या होगा 90 प्लस 60। ठीक है, 10 45 क्या होता है 1, अब इसे चेंज कर देंगे, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो 360 यहाँ आता है, यहाँ 0 भी तो आता था, इस लाइन पे 0 भी आता है, 360 भी आता है,
तो कोस की वैल्यू जो जीरो पे होगी वो 360 पे होगी, कोस जीरो होता है वन, तो कोस 360 क्या होगा, वन हो जाएगा। यानी इस लाइन पर जो भी एंगल आते हैं उन सब पे कोस की वैल्यू सेम मिलेगी, कोस 01 कोस 360 1। इस पर 720 भी आता है 720 कोस 720 भी 1, इस पर 3600 भी आता है कोस 3600 1। यानी जो जो एंगल इस लाइन पर आते हैं उन सब पे कोस की वैल्यू सेम मिलेगी, तो कोस 01 होता है तो कोस 360 भी 1 ही होगा, तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, 3 माइनस 4, ये देखो 90 में जोड़ेंगे 60, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। साइन जो किस में चेंज होता है, कोस में, कोस 60 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 का तो 1/2, ठीक है, काट देंगे इसको, 3 में गया 2 1, ये क्या अंतर आ गया इसका 1। तो ये हो गया आपका 8 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखो 8 का फोर्थ पार्ट, अब आते हैं फोर्थ पार्ट, मिलेगा आपको 14 नंबर पेज पे। ठीक है, 8 का फोर्थ देख लो, कोर्स मैंने कोर्सेज तो ये करिए सारे सारे कवर करवा दूँ। ठीक है, एक आधा तुम्हारे लिए छोड़ दिया होगा मैंने, तो वो आप कर लेना, इजी काम थोड़ा आपके लिए, टफ सारा का मैंने करवा दिया। वैसे तो ये एक्सरसाइज अब आसान होगी, होगी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस की बात है सिर्फ। टाइम मिले तो एग्जांपल्स भी देख लिया करो। ठीक है, ये लो, इसको हमने 1 के इक्वल दिखाना, क्या दिखाना इसको, किसकी वैल्यू 1 आती है प्रूव करना, कर दो, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 3π/2 कितना होता है, 270 डिग्री एंगल है, यहाँ आता है 3π/2, इसमें x जुड़ रहा है, इधर जाएगा, जुड़ेगा तो इधर भी जाएगा ना, तो इस लाइन से इधर जा रहा है, खंबे से गिर रहे हैं, चेंज होगा साइन, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन x। अब देखो कहाँ गिर रहा है, फोर्थ में, फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, कोस पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर प्लस साइन एक्स ही आएगा, इंटू यहाँ पे इंटू इंटू कोस 2π+x, है ना, 2π कहाँ गया, यहाँ आता है 2π, 2π+x इसमें जोड़ेंगे, चेंज होगा, नो चेंज, इस लाइन से इधर उधर जाएंगे तो क्या होगा, नो चेंज, कोस कोस रहेगा, कोस एक्स कहाँ गया है, फर्स्ट में गया है, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, इसे सॉल्व कराओ, कोट 3π/2 - x, 3π/2 ये रहा, इसमें घट रहा तो इधर गिरेंगे ना, चेंज होगा, यस चेंज होगा, कोट किस में चेंज होगा, 10 में 10x, है ना, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस कोट 2π+x, 2π का है, ये रहा 2π, इसमें जोड़ेंगे हम x, चेंज होगा, नो चेंज, इस लाइन पर कोई चेंज नहीं होता, तो कोट कोट रहेगा, कोट x रहेगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, प्लस करेगा, कोई दिक्कत, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आया, फिर उसको सॉल्व, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस, ये क्या, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब ये तो एज इट इज, इनकर लेंगे हम एलसीएम, इसको करेंगे से डिवाइड, इसको करेंगे उससे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये और ये कट जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आ गया, क्या आएगा आंसर, 1। ठीक है, तो ये है आपका 8th का फोर्थ पार्ट। अब देखो 9th में देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सेकेंड 90+x प्लस एक्स साइन ए 10 90+a, ठीक है, इज इक्वल टू कोस 90+a, यह हमें दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू निकालो, सोल्व 4x, इसको हमने x के लिए सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी यहाँ से। ठीक है, तो कर दो स्टार्ट, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे a था, तो करो स्टार्ट, देखो सेकंड 90+a, 90 यहाँ होता है, इसमें हम जोड़ रहे हैं, तो चेंज होगा ये, यस चेंज होगा, खंबे से गिर रहे हैं, सेकंड किस में चेंज होगा, कोसेकंड में, तो कोसेकंड ए हो जाएगा ये, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके लिए ये आएगी माइनस कोसेकंड, 10 90+a, 90 ये रहा, इसमें जोड़ रहे हैं, चेंज होगा, यस चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, नहीं ये तो था, हाँ 10 था बेटा, 10 90+a, तो 10 90+a कहाँ होगा, ये आएगा ना, 90 में जोड़ेंगे ए,
इधर जाएगा, चेंज होगा, यस चेंज होगा। ये टेन किस में चेंज होता है, कोट में, तो कोट ए आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में टेन पता नेगेटिव पे माइनस का कोट ए आएगा, इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू कोस 90 प्लस ए, 90 में जोड़ेंगे हम ए, चेंज होगा कोस, बिल्कुल चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन ए। कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो क्या होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स ए, इनकी करो गुणा, माइनस एक्स आई माइनस होगा एक्स साइन ए। अच्छा इसको ऐसे ले दूँ, कोस ए अपॉन साइन ए, कोट ए क्या होता है, कोस बटा साइन, ये एच डी ये कट देगा, माइनस एक्स कोस ए बचेगा, माइनस एक्स इंटू कोस ए। इसको इधर ले आओ, ये क्या है, माइनस साइन ए था, ये इधर आके प्लस का कोसेकेंट ए हो जाएगा, और कोसेकेंट ए को लिख दो वन अपॉन साइन ए। टेकिंग एलसीएम यहाँ क्या होगा बताओ, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वन, तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इधर क्या है, एक्स कोस ए था, एक्स क्या होगा, कोस ए आ जाएगा बटे में, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए तो यूँ का यूँ, और यह आएगा बटे में माइनस कोस ऑफ ए। तो क्या बताओ, यहाँ पे माइनस कोस ए अपॉन साइन ए बचेगा, क्या हो गया बताओ, माइनस कोट ए आ गया, क्या हो गया एक्स, माइनस कोट ए इज़ द आंसर। तो नौवें का पहला पार्ट क्या हो गया, ठीक है, नाइन्थ का सेकंड पार्ट देखो, एक्स कोट 90 प्लस ए, ठीक है, टेन 90 प्लस थीटा, थीटा बेटा यहाँ पर की बार, इंटू में साइन थीटा प्लस कोसेकंड 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है इस बार, कहते हैं यहाँ से हम एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल देंगे एक्स में, क्या दिक्कत है, देखो एक्स कोट 90 यहाँ होता है ना, 90 हम जोड़ रहे हैं, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, खंबे से करेंगे। कोट किस में चेंज होता है, टेन में, तो एक वजह क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कहाँ कर रहे हैं, सेकंड में, सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा चेंज होगा, टेन चेंज हो जाएगा, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, कोट थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोट क्या होता है, टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू माइनस का कोट थीटा आएगा, इनटू में साइन थीटा। ये देखो 90 प्लस थीटा कोसेकंड 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेकंड थीटा है ना, चेंज होगा ना, कोसेकंड सेकंड चेंज हो जाएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, सेकंड में कोसेकंड क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक्स निकालना है तो एक्स के टर्म्स को तो एक तरफ कर लेंगे, बाकी को ले जाओ राइट साइड में, ये इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव कोट थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, करो सॉल्व, इसको कैसे लिखूंगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट क्या होता है, कोस बटा साइन थीटा था, यहाँ पे एक होगा वन अपॉन कोस थीटा, सेकंड का था वन बाई कोस थीटा। ठीक है, ये और कर देगा कोस थीटा माइनस वन अपॉन, सॉरी गलती कर दी ना, ये बचा यहाँ पे। अब टेकिंग एलसीएम क्या हो, यहाँ पे कोस का थीटा माइनस वन, माइनस को मैंने लेंगे वन माइनस कोस का देखा जाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव लेगा, क्या हो गया बताओ, साइंस का थीटा अपॉन कोस का थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स को क्या हो गया यहाँ पे, साइंस का थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये टेन आएगा बटे में, यहाँ क्या होगा, बटे में टेन आएगा, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, एक कोस से कोस कर देगा, साइन तो साइन कर देगा, एक्स के लिए क्या गया यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स के लिए क्या गया यहाँ पे, साइन थीटा, नौवें का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब दसवां और ग्यारहवां बच गया, ये और देख लो, आज इसको फिनिश कर दो। ठीक है, तो दसवां और ग्यारहवां करते हैं, क्या जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। दसवें के तीन पार्ट, तीन में से मैं आपको दो करा रहा हूँ। ठीक है, पहला और तीसरा एक ही पार्ट है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे क्यूब है, लो इतना फर्क है, बाकी सब सेम है, देखते पता लग जाएगा क्या करना है। ये केस सब कर देना जो इसमें कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, हमने इसको इसके कुल को करना है, टू के कुल। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, ये छोटे एंगल और ये बड़े एंगल है, मैंने क्या कहा था, जब छोटे एंगल्स और बड़े एंगल साथ हों तो क्या करेंगे, बड़े एंगल्स को ऐसे तोड़ेंगे कि छोटे एंगल बन जाएं किसी भी तरह से,
तो देखो कैसे करूँगा, ध्यान से देखना। ये तो एज इट इज़ कोस स्क्वायर 3π/8 एज इट इज़, मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ। ये देखो कोस स्क्वायर, अब इसको ऐसे टुकड़े बनाओ जिसमें ये वाला टुकड़ा शामिल है या फिर ये वाला टुकड़ा शामिल है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर दूँ, π/2 - π/8। देखो एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम 8 आएगा ना, तो यहाँ प्लस कर दूँ। देखो एलसीएम 8 आएगा, 4π + π, 5π/8 तो आएगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो यही तो आएगा। तो मैंने इसके टुकड़े बना दिए इस टाइप के जिसमें ये वाला एंगल शामिल हो गया, इस वाले में ये वाला शामिल हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर क्या करोगे बताओ, π/2 + 3π/8। जरा देखो हुआ कि नहीं हुआ, 8 एलसीएम आएगा, 4π + 3π, 7π/8 आएगा। क्यों, तो मैंने इसके टुकड़े बना दिए, टुकड़े बना दिए मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, π/2 यहाँ आता है, π/2, ठीक है, π/2 में जुड़ रहा एंगल इधर गिरेगा, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, है ना। कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन स्क्वायर π/8। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है लेकिन ऊपर स्क्वायर लग गया, वो क्या करते हैं इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ये क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, π/2 में जुड़ रहा है, चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन स्क्वायर 3π/8, स्क्वायर लगाओ तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये और ये देखो, कोस का थीटा प्लस साइन का थीटा क्या होता है, 1। ये और ये देखो, कोस का 3π/2 प्लस साइन का 3π/2 क्या होगा, 1, और 1 और 1 क्या होगा, 2 आएगा। दिस इज योर राइट साइड, ठीक है। अगले बिल्कुल सेम है, अगले में क्या करना है, थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है, यहाँ पे क्यूब है, क्या लगाओ, यहाँ पे क्यूब लगाओगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, क्यूब क्यूब लगा देंगे, यहाँ क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्यूब, लेकिन ये माइनस हो जाएगा इस बार, क्या होगा माइनस है, क्यों, क्योंकि सेकंड में कोस नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पावर 3 लगाओगे, नेगेटिव के ऊपर पावर 3 लगेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा, बाकी सेम, ठीक। देखो सेकंड पार्ट है, साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9 इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कर दें स्टार्ट, ठीक है बेटा, ये तो एज इट इज, ये बेटा ये छोटे एंगल है, बड़े एंगल है, तो बड़े एंगल तोड़ दो। तो क्या मैं इसका कर दूँ, साइन स्क्वायर, अच्छा इसका अंतर क्या, देखो 2 दिखाना है, तो ये 2 कब आएगा, सेम ऊपर देखो, कोस का थीटा प्लस साइन का थीटा चाहिए, ये साइन का थीटा तो है, प्लस कोस का थीटा और चाहिए, कोस में इसको चेंज करना पड़ेगा, कोस में कम चेंज करना पड़ेगा जब π/2 में जोड़ोगे या π/2 में से घटाओगे, तो आइडिया लग गया ना, मैं π/2 में ये घटा के देखो जरा, π/18 ये आता ही नहीं आता, चेक करो क्या होगा, एलसीएम 18 एलसीएम आएगा, 9π - 1 कितना होगा बताओ, 8π/18 आ गया, तो क्या होगा, 8π/18 आ जाएगा, देखो ना भाई इधर देखो, हमने इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, तो मैंने क्या करा, π/2 - π/18 करा, क्योंकि मैंने ये वाला एंगल या ये वाला एंगल लेना है, तो π/2 - π/18 लेके देखो, 18 एलसीएम आया, क्या हुआ, 9π - π, क्या हुआ, 8π/18 आया, तो ये तो बना ही नहीं, तो ये फैक्ट गलत है, ये फैक्ट नहीं बनेगा, प्लस करेंगे तो क्या होगा बताओ, प्लस करेंगे तो ये क्या हुआ, 10π/18 आएगा, तो भी ये नहीं बना, है ना, ठीक है। अच्छा 8 ये माइनस में क्या अर्थ था, 8π/18 अर्थ ना, तो 8 को काटेंगे तो क्या होगा, 4π/9 आ रहा, तो कोई बात नहीं, इस ये बन गया ना, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बन गया ये, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको थोड़ा ऐसे ही लिखोगे, π/2 में से π/9 घटेगा, देख लो अगर इसमें घटाओ तो ये आएगा, देखो 18 एलसीएम आएगा, 9π - 2 7π/18 ये आ जाएगा 7π/18, ठीक है। तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर π/18 साइन स्क्वायर π/9, ये देखो साइन स्क्वायर कर दो स्टार्ट, π/2 में घटाओगे आप, फर्स्ट में से घटा रहे हो, चेंज होगा ये, हाँ खंबे से गिरेगा, चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस π/18 पहले में गिर रहे हैं, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा π/9, ये और ये क्या होगा, 1, और इसके साथ जोड़ गया होगा 1, क्या होगा आंसर 2 आया, है ना। इसका एक तरीका और भी मेरे माइंड में आ रहा है,
और बताता हूँ, देखो सिंपल सा तरीका, ठीक है। देखो ये एक और देख लो तरीका, और बताता हूँ जो अच्छा लगे वो कर देना, ठीक है। साइन स्क्वायर पाई बाई 18, पाई क्या होता है 180, 180 अपॉन 18 क्या होगा 10 डिग्री, ये क्या होगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री आएगा, हाँ 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 9, ठीक है। फिर क्या होगा कि देखो ये क्या होगा, तो 18 सेवनजा है ना, ये क्या होगा 10, 10 इंटू 7 क्या होगा 70 डिग्री हो जाएगा, ये क्या होगा 20 इंटू 4 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको क्या करा, डिग्री में बदल दिया, इन सभी एंगल्स को डिग्री में बदल दिया। ये बड़े एंगल है, ये छोटे एंगल से, तो बड़े एंगल को छोटे एंगल तोड़ दो, तो साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, ऐसे कैसे करोगे, 90 माइनस 20 कर दो, और 80 कैसे लिखो 90 माइनस 10 लिख दो, कर सकते हैं ऐसा। तो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20, ये देखो 90 में घटा हुआ है, चेंज होगा ये बिल्कुल, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो कोस स्क्वायर 20 पहले में गिर रहे, पहले में पॉजिटिव होता है ये, ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 10 हो जाएगा सेम, ये और ये देखो साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 क्या होगा 1, साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 क्या होगा 1, क्या होगा आंसर 2 आएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो भी ऐसे करना है, वो अब कर लेना, ठीक है। अब मैं कराता हूँ 11th क्वेश्चन, देखो 11th का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 1 प्लस कोट एक्स माइनस सेकेंड एक्स प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ये तो है। और क्या 1 प्लस कोट एक्स प्लस सेकेंड एक्स प्लस पाई बाई 2, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है 2 कोट एक्स के, तो प्रूव तो अपने आप हो जाएगा, आप पहले इसको सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर हो जाएगा, है ना। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे कैसे करेंगे। 1 प्लस कोट एक्स तो यूँ कहें, ठीक है। सेकंड एक्स प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस एक्स, एक ही तो बात है, पाई बाई 2 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, चेंज होगा, नहीं ये चेंज होगा कोसेकंड में, कोसेकंड एक्स हो जाएगा, कोसेकंड एक्स कौन सा है क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट में सारे क्या होता है पॉजिटिव, नहीं पाई बाई 2 प्लस है इसमें गिर रहे हैं, सेकंड में जा रहे हैं, तो सेकंड सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और यह क्या हो गया, ये तो ये भी तो वही है सेम, इसके लिए क्या आ गया माइनस कोसेकंड एक्स, ठीक है। कर दो को मल्टीप्लाई, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, या प्लस टू ए बी, या क्या माइनस कोट स्क्वायर स्क्वायर एक्स, इसका जोड़ क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ये तो होता है फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ये और कट जाएगा क्या होगा 2 कोट एक्स का, यही पता, ठीक है। 11 का फर्स्ट हो गया, 11 का जो थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट है वो भी देख लो अब लास्ट, ठीक है। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स सेकेंड एक्स माइनस 5 पाई बाई 2, ठीक है भाई, प्लस 10 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स, और एक बार 10 एक्स माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है। इसको हमने माइनस 1 के इक्वल दिखाना, क्या दिखाना इसको माइनस 1 के इक्वल, तो करें स्टार्ट। देखो मैं इसी में करूँगा, तुम समझ जाओगे, देखो ये तो सोल्व कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसी चीज़ उतार दी, इसमें गड़बड़ है, ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, गड़बड़ को ठीक कर दो, माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। 10 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसको निकाल दो, 10 माइनस कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से करना स्टार्ट, अब सेकेंड 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, देखो 3 पाई बाई 2 यहाँ होता है, इसमें हम चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज कर देंगे, एक बार सेकेंड किस में चेंज होगा कोसेकेंड में, तो देगा कोसेकेंड एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में सेकेंड क्या होता है नेगेटिव,
इसके लिए तो ये आएगी। सेकंड का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा बताओ। कोस और सेकंड का एंगल नेगेटिव तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा तो इसके लिए आएगा सेकंड, ये आएगा 5π/2 - x ये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 5π/2 कहाँ आता है, यहाँ आता है 5π/2, 450 डिग्री का एंगल प्लस एक्स जोड़ेंगे चेंज होगा बिल्कुल। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड है, सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, तो -cot x आएगा। टेन का एंगल नेगेटिव है तो क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा। टेन माइनस थीटा क्या होता है, -tan θ। ठीक है भाई, ये आए इस स्टेप में कोई दिक्कत। ठीक है, अब आगे जाओ, -cosec x इंटू इधर 5π/2 - x इसमें से घटाएंगे, चेंज होगा, यस चेंज होगा, खंबे से कर रहे हैं, इस किस में चेंज होगा, कोसेकेंड में, तो लिखोगे cosec x। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ही आएगा, ये तो कोट एक्स, देखो 10 3π/2 - x इसमें घटाएंगे अब, चेंज होगा, यस 10 किस में चेंज होगा, कोट में, कोट एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, और कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को कैसे लिखोगे आप, देखो इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस, नहीं आप एक काम करो, फिर क्या करोगे आप, देखो इसका इसका लिखो ना फॉर्मूला, कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, कोट स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या था, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स था अपने पास, ये और ये कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, माइनस वन लिखा, क्या हो गया इसका आंसर, -1। ठीक है, यही हमने प्रूव करा था। तो यूँ करके ना ये पूरी एक्सरसाइज आपने आज कर ली है बेटा। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये 41 नंबर पेज मिलेगा, अगली जो एक्सरसाइज होगी वो आएगी आपकी 42 पेज पे। 41 हो चुका, ये 42 था बेटा, अगली जो एक्सरसाइज है वो आएगी 43 पेज पे। किस नाम से मिलेगा वीडियो बता देता हूँ, 43 पेज है ये। ठीक है, और आपको मिलेगी एक्सरसाइज नंबर 3.5। ठीक है, और पार्ट नंबर कौन सा, 15। ठीक है, देखा देखता हूँ 14 थे कि कौन सा पार्ट था पिछला, एक बार वो चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ 15 के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो आज इतने करो, बाकी कल देखते हैं।